हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं क्लास टेंथ का हिंदी पद भाग का है, गोधूली का पद भाग है, पाठ चार है स्वदेशी, जिसके कवि हैं प्रेमधन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे। प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे। द्विवेदी युग, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है सी, भारतेंदु युग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जीर्ण जनपद किसकी कृति है। प्रेमधन की, श्रीधर पाठक की, रामनरेश त्रिपाठी की, नागार्जुन की। तो आपका सही आंसर है प्रेमधन की। तीसरा क्वेश्चन है स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। चौपाई, दोहा, सोरठा, छपै। तो आपका सही आंसर है दोहा। चौथा क्वेश्चन है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क। तो आपका सही आंसर है ब्रिटेन। ये ऑप्शन आपका सही है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। ये 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन है प्रेमधन सर्वस्व, भारत सौभाग्य, प्रयाग रावागमन, जीर्ण जनपद। तो आपका सही आंसर है प्रेमधन सर्वस्व। ये ऑप्शन आपका सही है। छठा क्वेश्चन है, प्रेमधन ने किस समाज की रचना की। धनी समाज, कलावंत समाज, रसिक समाज, भक्त समाज। तो आपका सही आंसर है सी, रसिक समाज। सातवां क्वेश्चन है, प्रेमधन का जन्म का हुआ था मिर्जापुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में। तो आपका सही आंसर है ए, मिर्जापुर में। आठवां नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन की काव्य कृति है आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, जीर्ण जनपद, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर है बी, हार्दिक हर्षादर्श। नौवा नंबर क्वेश्चन है, अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की। अरबी, हिंदी, उर्दू, मलयालम। तो आपका सही आंसर है सी, उर्दू। दसवां नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा। विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, इनमें सभी। तो आपका सही आंसर है डी, इनमें सभी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है। दुख भोगी, विलासिता भोगी, सुविधा भोगी, आलस भोगी। तो आपका सही आंसर है सी, आलस भोगी। 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेमधन का जन्म कब हुआ। 1853 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर है बी, 1855 ईस्वी में। 13वां नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन की मृत्यु कब हुई। 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर है सी, 1922 ईस्वी में। 14 नंबर का क्वेश्चन है, स्वदेशी के लेखक हैं घनानंद, प्रेमधन, गुनाकर मूले, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है प्रेमधन।
15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम धन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? ललित लहरी, नागरी निर्दल, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा। तो आपका सही आंसर है बी, नागरी निर्दल। 16 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम धन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? हार्दिक हर्षादर्श, जीर्ण जनपद, ब्रिजचंद पंचक, प्रयोग रामागमन। आपका सही आंसर है डी, प्रयोग रामागमन। 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम धन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? नागरी निरत, प्रयोग रामागमन, आनंद कादम्बरी, आनंद अरुणोदय। आपका सही आंसर है सी, आनंद कादम्बिनी। 18 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम धन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? ब्रज, देवनागरी, भोजपुरी, कन्नड़। तो आपका सही आंसर है ए, ब्रज। 19 नंबर का क्वेश्चन है, पराधीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी, कलावृत्ति, दासवृत्ति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी, दासवृत्ति। 20वां नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? मिर्जापुर के, कलकत्ता के, काशी के, दिल्ली के। तो आपका सही आंसर है बी, कलकत्ता के। 21 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम धन के काव्य में प्राप्त होता है भक्ति भावना, समाज दशा, देश प्रेम, इनमें सभी। तो आपका सही आंसर है डी, इनमें सभी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, रीत का अर्थ है पद्धति, स्वभाव, लगाव, कपड़ा। तो आपका सही आंसर है ए, पद्धति। 23 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया इस बात का किसे दुख है? प्रेमधन को, गुरु नानक को, घनानंद को, सभी को। आपका सही आंसर है प्रेम धन को, ऑप्शन ए आपका सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है कैसे? अंग्रेजी नीति के कारण, जलवायु के कारण, मजदूर के कमी के कारण, भूकंप के कारण। तो आपका सही आंसर है ए, अंग्रेजी नीति के कारण। 25वां क्वेश्चन है, भारतीयों में के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई है? आपका ऑप्शन है अपनी संस्कृति, अपना घर, अपनी जाति, अपना वंश। तो इसका सही आंसर है ए, अपनी संस्कृति। 26 नंबर का क्वेश्चन है, सबै विदेशी नर गति रति रीत लखात। आपका ऑप्शन है वस्तु, शरीर, बुद्धि, कपड़ा। तो इसका सही आंसर है ए, वस्तु। 27 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय किस तरह से कपड़ों के दास हो गए हैं? तन से, मन से, धन से, ए एवं बी दोनों से। तो आपका सही आंसर है डी, ए एवं बी दोनों से। 28 नंबर का क्वेश्चन है, वस्तु शब्द है स्त्रीलिंग, पुलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, स्त्रीलिंग। 29 नंबर का क्वेश्चन है, दास वृत्ति की चाह चहूं, चारहु बरन बढ़ा ली। आपका ऑप्शन है झूठ, मानहु, दीसी, खाम। तो आपका सही आंसर है सी, दीसी।
तीसवा नंबर क्वेश्चन है, कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? निम्न वर्ग की, मध्यम वर्ग की, सुविधा भोगी वर्ग की, इनमें से सभी की। तो आपका सही आंसर होगा सी, सुविधा भोगी वर्ग की। 31 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते हैं? महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविंद्रनाथ टैगोर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो आपका सही आंसर है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 32 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? आपका ऑप्शन है भारत माता, जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान, स्वदेशी। तो आपका सही आंसर है डी, स्वदेशी। 33 नंबर का क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार हैं? ये क्वेश्चन आपको 20 में पूछा हुआ है। ए रामधन, बी मालधनी, सी श्यामधन, डी प्रेमधन। तो आपका सही आंसर है डी, प्रेमधन। 34 नंबर का क्वेश्चन है, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते? अंग्रेजी, बंगला, हिंदी, तमिल? तो इसका सही आंसर है सी, तमिल। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, आपका होगा सी, हिंदी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि आप तक पहले वीडियो पहुंच सके। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।